हेलो वेलकम यू ऑल। आज 30 मार्च और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों अभी अगर आप करंट सिचुएशन में देखोगे COVID-19 की वजह से लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप में आ चुका है डिफरेंसेस कम। और ऐसे में क्या होता है जब भी क्राइसिस आने स्टार्ट होते हैं तो कुछ कंपनियाँ फिर से नहीं कर पाती है स्टैंड आउट। तो दोस्तों पर मेरा मानना ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सारी कंपनियाँ करेंगी सर्वाइव। और वैसे में इंडिया बुल्स के सामने मैं आपके पास एक पहलू रखना चाहूँगा, क्यों नहीं जा पा रहा है 95 के ऊपर। 1-to-1 सारे पॉइंट सुनिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेटली मिस आउट ना करेंगे। आप भी एग्री करोगे क्यों नहीं जा पा रहा है 95 से ऊपर। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूं, उससे पहले आप सभी लोगों का मांगूंगा सपोर्ट। प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। मोटिवेशन मिलता है यार कमेंट सेक्शन में, अपनी क्वेरीज लिखिए, मेरा जॉब बनता है आपको उसमें रिप्लाई देना और मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों करते हैं पॉइंट वन से स्टार्ट। तो अभी आप देखोगे तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देता है लोन्स टू द रिटेल निवेशक के लिए जो अपना घर खुद बना रहे हैं, एक बिल्डर्स के लिए जिनको ये लोन्स देता है। तो अभी आप करंट सिचुएशन में देखोगे तो घर कोई खरीदने नहीं जा रहा है, सब जगह है सील, कोई भी घर नहीं खरीद रहा है। अभी अगर कोई कुछ खरीदना चाहता है तो वो है अपनी एसेंशियल चीज़ें जो उसको इस टाइम पे चाहिए। तो एक तो है इसका ये रीज़न। ऊपर से ऐसा हो चुका है कि सारे वर्कर्स चले गए होंगे, आपने देखा होगा जितने भी लेबर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये देश के लिए काम कर रहे हैं, वो चले गए हैं अपने गांव। तो अपना जो रियल स्टेट में जो ये बिजनेस होता है हाउसिंग फाइनेंस के लिए, ऐसा तो नहीं है कि बटन दबाया आज लेबर बुला दी कल आ गए फिर से घर का काम चालू हो गया, या फिर से बटन दबाया काम रोक दिया। तो इस चीज़ में लगता है टाइम। तो टाइम ऐसा है कि अभी सब चले गए हैं घर, अभी कितना लैग रहेगा ये लॉकडाउन, लॉकडाउन पीरियड कब तक खुलेगा, तो उससे हो जाएगी इस शेयर के लिए दिक्कत। क्योंकि देता है दो जगह लोग हाउसिंग फाइनेंस के लिए, इसके सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। अगर कोई खुद भी घर बना रहा उसको भी लेबर नहीं मिलेगी, और कोई बड़ा इन्वेस्टर है बिल्डर है वो भी कहाँ से कराएगा हाउसिंग फाइनेंस के लिए काम, की अगर किसी को घर बेचेगा तभी तो पैसे वापस देगा। तो वहाँ से इंक्रीज हो रहा है इसमें एनपीएस। अब आरबीआई की जो पॉलिसीज आई उसमें 3 महीने के लिए छूट दो, आपको पता है इससे रिस्क बढ़ गया है इस सेक्टर के लिए और इस शेयर के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए कि इसमें इंक्रीज हो जाएंगे एनपीएस। तो एनपीएस इंक्रीज हो जाएंगे तो इसके लिए हो जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 कि अगर मान लीजिए 2 महीने बाद काम स्टार्ट हो जाता है, COVID-19 2 महीने में समझ जाता है इंडिया में, जो एक मैं अप्रॉक्स कर रहा हूँ 2 महीने, 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं। तो COVID-19 हो गया ठीक, अब हमने क्या बोलते बिजनेस हो गया हुआ है स्टार्ट, अब ये एनपीएस रिकवर करेगा सबसे पहले जो जिसको बिल्डर्स को लोन दिए, या फिर किसी रिटेल जो हाउस अपना खुद बना रहा या उसको लोन दिए उनसे एनपीएस करेगा वसूल, या फिर ये जो नए इन्वेस्टर्स हो गए इसके पास नया कोई अपना घर बनाना चाहता होगा उसको देगा लोन। तो ये बहुत बड़ा इशू आ चुका है इस टाइम इस इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए कि ये नए लोन देने में इसको दिक्कत आएंगी, क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी कम, इसके पास कैश फ्लो हो चुका है कम क्योंकि एनपीएज इंक्रीज हुए हैं, जो 3 महीने की आरबीआई ने पॉलिसी लाई है उसकी वजह से इसके पास इनफ्लो कैश आएगा कम, और इसको अगर नए लोन देने होंगे तो वहाँ आएगी इसको दिक्कत और उससे नहीं बढ़ेगा इसका बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये चीज़ें सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि COVID-19 ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में ही खत्म होगा, हो सकता है जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये 21 दिन का लॉकडाउन किया है तो हमारे को स्थिति मजबूत दिखे। तो ये है अभी इसकी करंट सिचुएशन, इसलिए मुझे लगता है कि ये नहीं जा रहा है 95 रुपीज से ऊपर। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू ऑफ पॉइंट, हो सकता है मैं गलत भी सोचता हूँ, आपका नज़रिया देखने का कुछ और अच्छा नज़रिया हो, पर मेरे व्यू पॉइंट में अभी मार्केट को रिलेटेड ये न्यू आता है इसलिए 95 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। वहीं अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे तो आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूस एक बेस बना दिया है इसने लगभग 80-90 रुपीज़ के बीच, ये नहीं जा रहा है इससे नीचे। तो इसमें एक हमारे को ये भी दिखा है कि इसने बेस बना चुका है, अपना लो बना चुका है, यहाँ से नीचे जाने को ये रेडी नहीं हो रहा है। तो ये भी है इस शेयर के लिए अच्छी बात, कंटिन्यू अभी एक जोन में बना रहा है, चाहे निफ्टी
400 पॉइंट नीचे जाए चाहे 300 पॉइंट नीचे जाए, कुछ दिनों में आपने देखा होगा पिछले दो दिनों में लगातार मार्केट थोड़ा डाउन रहा है, पर ये सर्वाइव किया है कहीं ना कहीं, शेयर ये नहीं जा रहा है 80 से नीचे जो इसने कुछ पिछले दिनों में लगातार इस जोन में बनाए हैं, वहीं कर रहा है ये अपने 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास काम। मैकडी में देखो तो थोड़ा इतनी गिरावट नहीं दिखा रहा मैकडी, इसमें ग्रीन इंडिकेशन लाइट्स हो रही है कि इसमें आ सकती है थोड़ी बहुत और पॉजिटिविटी। वहीं अगर RSI को देखोगे तो ये है 20 के लेवल पे टोटली ओवरसोल्ड, अब और कितना गिरेगा, इतना गिरना तो ये पहले ही गिर चुका है, तभी है ये अपने प्राइस पे स्टेबल। और वहीं देखोगे तो कारोबार में लोग इसमें नहीं कर रहे हैं, डिलीवरीज नहीं ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको व्यूज़ बताया मेरे को लगता है उसी हिसाब से इसमें 14% की जो हमारे को डिलीवरीज दिख रही है वो उसी हिसाब से है जैसा मेरा मानना है, मुझको ऐसा लगता है तभी है इसमें इतनी डिलीवरीज इतनी कम। और आज कारोबार में देखोगे तो सिर्फ रहा ये 60 पैसे ऊपर। तो दोस्तों ये था मेरा इसकी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट कीजिए यार अपनी क्वेरी पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब है आपको रिप्लाई देना, और प्लीज़ कीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।